कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो फिल्म बनाया था। समस्या यह थी कि उड़ीकेल पंचायत के निचितपुर गांव में शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा था, मगर उसमें मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही थी। सितंबर 2013 को ही शुरू हुआ था। अभी तक हमने 99 शौचालय तैयार किया है। और उसमें कितना मिस्त्री पेमेंट बाकी है? 1 लाख अभी मिस्त्री पेमेंट बाकी है। और लेबर पेमेंट टाइम पे मिल जाता है? नहीं, वो भी नहीं मिलता है। तो फिर आप लोग कैसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं? कैसे आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही काम चल रहा है, इसीलिए तो अभी तक काम बाकी है। पंचायत सेवा के रोजगार सर से कई बार मिलते हैं, लेकिन वो लोग कभी बोलते हैं कि रोजगार सर से पूछिए, और रोजगार सर जब पूछते हैं तो इंजीनियर से भेंट कीजिए बोलते हैं। फिर इंजीनियर के पास जाते हैं तो इंजीनियर बोलते हैं कि आपका पंचायत सेवा को बोलिए, आपसे क्या काम है, आपसे हमारा मतलब नहीं है, आपका पंचायत सेवा को भेजिए, उसी से काम है बोल के बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वही मिस्त्री सब का पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। फिर मैंने उस पर वीडियो फिल्म बनाया और गांव के लोगों ने अपनी समस्या को पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर की जनसुनवाई में रखा, फिर उन्होंने इस समस्या पर बदलाव लाया। निजीपुर ग्राम में शौचालय निर्माण में शिकायतें आई, योजना संख्या 10-20-4। तो इस योजना में इसका मिस्त्री का जो भुगतान है तो स्तर पर निर्भर किया गया है, ये बनकर तैयार भी हो गया है, आज इसका भुगतान कर दिया जाएगा। समस्या की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया था पर बतलाया गया था, साथ ही एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया जा रहा था कि यहाँ पर मिस्त्री मद का भुगतान नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर में जो मनरेगा सॉफ्टवेयर है, इसमें एक नया ऑप्शन आया था जिसमें सभी जो भी कार्यरत मिस्त्री है उन लोगों का बैंक खाता संख्या और आधार नंबर वगैरह का डिटेल्स डालना था। सभी मिस्त्री से वो सब ले करके डिटेल डाल करके उसके बाद में इन सभी का भुगतान करा दिया गया। मिस्त्री का पैसा मिलने लगा है क्योंकि हम लोग जन सुनवाई में शिकायत किए थे और डीपीओ और पंचायत सेवा पैसा दे दिए, इसलिए हम लोग खुश हैं और गाँव वाले भी खुश हैं। डीपीओ प्रेम कुजूर और उड़केल पंचायत के पंचायत सेवक को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वीडियो एक उचित माध्यम है, जरूर वीडियो के माध्यम से समस्याओं को मतलब अच्छी तरह देखा जा सकता है। अच्छा लगता है जब कोई भी व्यक्ति समस्या को सामने लाता है, अन्यथा गांव की समस्याएं गांव में ही रह जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी समस्या है गांव में उसको हमारे तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके। आप तमाम वीडियो देखने वालों से यह अपील करता हूं कि आप नीचे लिखे नंबर पर कॉल करके तोरपा प्रखंड के बीपीओ और उड़ीकेल पंचायत के पंचायत सेवक को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से ही हमारे गांव के निचितपुर के मजदूरों का बकाया मजदूरी मिल गया और अब हमारे गांव में शौचालय भी सही ढंग से बन रहा है। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया अनाट के लिए।